नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पे और मैं हूँ आपका टेक गुरु। आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हम लोग आज हम जॉब पे नहीं बातें करेंगे। आज कुछ मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकाले हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों दुबई की लाइफस्टाइल के बारे में कि दुबई की लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, आज कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे ये वीडियो में जॉब के बारे में। ठीक है कि दुबई की लाइफस्टाइल कैसी है। दुबई की लाइफस्टाइल दोस्तों बोला जाए तो रॉयल है, रॉयल। ठीक है, मतलब आप अगर यहाँ पे काम के लिए आते हो, विजिटिंग के लिए आते हो ना, तो आप यहाँ से वापस नहीं जाओगे। ठीक है, फुल सिक्योर सिटी है एकदम, और एक्सपेंसिव भी उतनी ही है। ठीक है, मतलब आप जितना यहाँ पे कमाते हो, अगर आप रॉयल लाइफ यहाँ पे अगर जीना चाहते हो तो आपकी पूरी सैलरी यहाँ पे चली जाएगी। ओके, आपको यहाँ की रॉयल लाइफ सिर्फ देखनी है, आपको नहीं करनी है, मतलब आपको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ की करेंसी कौन सी है। दोस्तों यहाँ की करेंसी है दिरहम। दुबई की करेंसी जो है वो दिरहम है। दिरहम मतलब क्या होता है, अगर माना जाए तो इंडिया के 18 रुपये मतलब एक दिरहम होता है। मतलब यहाँ का अगर आपने एक दिरहम इंडिया भेजना है तो आपको इंडिया में 18 रुपये मिलेंगे उसके। मतलब यहाँ के आपके अगर सैलरी 1000 दिरहम है तो इंडिया की आपकी सैलरी होगी 18000 रुपये। ठीक है, मैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपको। जब मैं फर्स्ट यहाँ पे आया था, जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया था तो उस टाइम 21000 रुपये लेके मैं यहाँ पे आया था। 21000 मतलब 100 रुपीज़ के नोट थे सब, तो दो बंडल थे। बहुत कैरी, मतलब बहुत परेशान था उस टाइम में वो। बहुत मतलब सिक्योर तरीके से मैंने यहाँ पे पैसे लेके आया था। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझको बताया था कि एयरपोर्ट पे करेंसी चेंज नहीं करना इंडिया के। आप भी ध्यान में रखो, इंडिया के एयरपोर्ट पे करेंसी नहीं चेंज करना है, क्योंकि वहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा होता है और आपको लूटते हैं, क्योंकि आपको रियल करेंसी रेट पता नहीं होती है, वो बहुत पैसा आपसे लेते हैं। तो कोई भी बंदा अगर इंडिया से दुबई आ रहा है तो उसकी करेंसी जो है तो यहाँ के वो चेंज करें, ना कि इंडिया में। जब मैं 21000 लेके आया था तो दुबई में मैंने मेरी करेंसी चेंज करी थी दोस्तों। दुबई में चेंज करी थी तो पहले तो कुछ पता नहीं था, काउंटर पे गया, एक लेडी थी उसने पूछा, मतलब मैंने उसको बोला कि आई हैव टू करे चेंज करेंसी, देन उसने बोला कि गिव मी मनी। तो मैंने ठीक ठाक से पैसे निकाल के पैसे उसको दे दिए। देने के बाद उसने कुछ कंप्यूटर में किया और मुझको 3 नोट दे दिए। मैं तो शॉक रह गया, यार मैंने तो इसको बंडल पे बंडल, दो बंडल दिए थे और ये क्या हो रहा है। तो उसने मुझे 1000 का यहाँ का एक करेंसी का नोट दिया था और 100-100 के दो नोट देख के कुछ कॉइन्स दिए थे। मतलब उस टाइम क्या भी मुझको एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर 3 नोट और कुछ कॉइन्स मुझको मिल गए थे। मैं तो शौक रह गया, यार मैंने तो इसको बंडल दे दिया, इसने तो मुझे कॉइन्स दे दिए और 3 नोट दे दिए। मैं पूछा नहीं, उसने रिसिप्ट दे दी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन नहीं है, मतलब आपको कोई लूटने वाला नहीं है यहाँ पे, तो आप पूरा भरोसा कर सकते हो। तो वो थे एक उसकी एक जो नोट थी उसमें वो 18000 रुपये की थी दोस्तों। वो बहुत बड़ी थी, वो मैं बहुत देखता था ऐसे, 4-5 दिन देखता था ऐसे। फिर आप अगर खाने के शौकीन हो दोस्तों, और आप नॉन वेजिटेरियन हो और वेजिटेरियन दोनों, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे चिकन इतना अच्छा मिलता है, इतने अलग अलग टाइप के चिकन के आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, आप पागल हो जाओगे। और चिकन यहाँ पे सस्ता भी है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे चिकन के आइटम और चिकन बहुत सस्ता है। आपको यहाँ पे अगर पूरी जो
ग्रिल्ड चिकन वाली जो होती है ना चिकन, वो पूरा ग्रिल्ड चिकन आपको 15 दिरहम में मिल जाएगा। 15 मतलब कितना होता है इंडिया का, आराम से 200 250 300 दिरहम, 250 300 रुपये का होता है। तो यहाँ पे वो बड़ी वाली चिकन यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो इंडिया में वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। यहाँ पे खाने के बहुत सारे आइटम मिलते हैं, यूनिक आइटम मिलते हैं दुबई के, आप टेस्ट करिए कहाँ पे, या जब भी आप यहाँ पे आओगे ना तो वो टेस्ट करिए, बहुत अच्छे आइटम्स मिलते हैं। मेरा फेवरेट आइटम है यहाँ पे शवरमा, इसको बोलते हैं चिकन शवरमा। वो मेरे एक दोस्त ने मुझको टेस्ट करने को बोला था पहले, मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं करता था लोकल आइटम, मैं नहीं खाता था। हम इंडियन कहते होते हैं जिधर भी जाते हैं तो हमारा हमारा खाना हम लोग ढूंढते हैं कहीं पे भी, नहीं तो घर से लेके आते इधर। मगर उसने मुझे यहाँ का लोकल आइटम वो जो शोरमा खिलाया, तो आपको बोलता हूँ इसकी टेस्ट इतनी अच्छी है, मैं अभी रोज खाता हूँ। रोज मतलब रोज नहीं, और हफ्ते में 2 3 बार वो हो जाता है। फलाफल एक आइटम होता है, वो वेजिटेरियन आइटम है, वो भी गजब का मिलता है। उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल, पेट्रोल बहुत सस्ता है दोस्तों यहाँ पे। आपने कभी सुना होगा कि बोलते कि पानी महंगा है और पेट्रोल यहाँ पे सस्ता है, तो ये बात सही है। यहाँ पे जो पीने का पानी होता है ना दोस्तों, वो खरीद के लेना पड़ता है। एक बॉटल होती है 1.5 लीटर की, जो बॉटल होती है ना वो 1.50 पैसा यहाँ का 1.5 दिरहम में मिलती है, और पेट्रोल उससे सस्ता है। मतलब यहाँ पे पीने का पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। अभी पेट्रोल का एग्जैक्ट रेट पता नहीं है मुझको, मगर 60 दिरहम में यहाँ पे 4 व्हीलर की टंकी फुल हो जाती है, मतलब बहुत सस्ता है यहाँ पे। यहाँ पे टैक्स नहीं है, और इसके वजह से सब 4 व्हीलर भी आपको अगर लेनी है तो वो भी बहुत सस्ती होती है। उसके बाद का आइटम है यहाँ पे सस्ती सस्ती चीज़ें कौन सी बिकती है। यहाँ पे अगर टैक्स नहीं है ना तो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है ना, ये अब यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं दोस्तों। आपको अगर यहाँ से टीवी लेना है, LCD LED टीवी, 40 इंचेस का टीवी लेना है ना, तो सैमसंग का ब्रांडेड टीवी आपको यहाँ पे 20 25 हज़ार में 40 इंच का मिल जाएगा। 40 इंच का 20 25 हज़ार से थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो सकता है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे गोल्ड भी बहुत सस्ता है, गोल्ड 3 4 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है इंडिया और यहाँ पे, और यहाँ पे प्योर गोल्ड भी मिलता है दोस्तों आपको। देन यहाँ पे देखने के स्पॉट भी बहुत सारे हैं दोस्तों। मतलब दुबई में देखा जाए तो दुबई मॉल है, बुर्ज खलीफा है, जुमेरा का बीच है, अबू धाबी में देखा जाए तो शेख जायद मॉस्क है, बहुत बहुत अच्छे है। यहाँ का जो समुंदर का किनारा होता है ना उसको कॉर्निश कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, और वो होता है ब्लू वाटर व्हाइट सैंड। मतलब रेत वहाँ की होती है व्हाइट कलर की, और पानी पूरा नीला कलर का होता है, क्रिस्टल वाटर। आपने जो पिक्चर में देखा होगा ना सेम वहाँ उसकी तरह यहाँ पे होता है। आपने अगर देख लिया तो आपको तैरने का मन हो जाएगा दोस्तों। बहुत मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ यहाँ की लाइफ। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो ठंड थी यहाँ पे, तो अभी कम हो रही है। अभी रमजान भी शुरू होगा तो यहाँ से आगे बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर हो जाता है, बाहर कोई घूम नहीं सकता है। मगर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी आप जाओ एसी होता है, घर पे एसी है, ऑफिस में एसी है। आप बस स्टेशन जाते हो तो वो छोटा वाला बस स्टेशन होता है उसमें एसी होता है, टैक्सी में एसी होता है, आप जिधर भी जाते हो ना सब तरफ एसी होता है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, कल बारिश हो गई थी सुबह में यहाँ पे, मगर कम होती है। यहाँ पे हमारे कंट्री की तरह पूरा मतलब बहुत बारिश नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे घूमने के 3 जरिए है, लोकल सिटी में घूमना है तो बस है, दुबई में मेट्रो है, और टैक्सी भी होती है दोस्तों। और मेरा एक प्लान है कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे को यहाँ के कुछ टूर भी कराऊंगा आपको। मतलब अभी मेरे पास कैमरा है तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ के जो लोकल पॉइंट्स है वो शूट करूँ, और आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूँ कि ये पॉइंट इसका है, ये पॉइंट इसका है, यहाँ के कॉर्नीज। इस फ्राइडे मैं सोच रहा हूँ कि ये जो समुंदर किनारा है
वहाँ पे जाके थोड़ा शूटिंग करूँ, ठीक है। चलो ये जितना मेरे तरफ से होता है ना आपको यहाँ की सैर कराता हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आ जाते हो तो आपको नया कुछ नहीं लगे, मतलब अरे ये तो मुझे पता था, ये तो टेक गुरु जी ने मुझे बताया था, ये तो मुझे बताया था, ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कौवे जो होते हैं, कौवे कौवे नहीं आपको देखने को मिलेंगे, ओके। उसके बाद आपको हमारे यहाँ पे मुंबई में अगर आपने देखा तो साउंड बहुत बड़ा होता है, किधर किधर जाने के बाद डीजे बोलते हैं उसको, रोड पर होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको कहीं पे भी बड़ा साउंड नहीं सुनाई देगा, ओके। हिंदी मूवीज यहाँ पे रिलीज होती है एक दिन पहले, वो भी एक एडवांटेज है दोस्तों, मतलब इंडिया से पहले एक दिन हिंदी मूवीज यहाँ पे रिलीज होती है। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, चाहता हूँ कि आप सब लोग भी यहाँ पे आ जाए जल्द से जल्द। एक्साइटेड मतलब आपकी जो एक्साइटमेंट है ना वो कम मत कीजिए, अप्लाई 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 करते रहिए दोस्तों, हो जाएगा काम, इतना मुश्किल नहीं है। आपके कुछ कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा दुबई के बारे में, बहुत सारे पॉइंट होते हैं दोस्तों, मतलब आप किसी से पूछ नहीं सकते हो, मैं आपका बड़ा छोटा भाई हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपको दुबई का कोई जॉब आता है, ओके, और वो लोग आपको, आप डाउटफुल हो कि वहाँ पे पैसा देना है या वो लोग क्या है, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर लो कि मेरा भाई वहाँ पे रहता है, आप मुझसे अगर बड़े हो तो कहिए कि मेरा छोटा भाई दुबई में है, आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो वहाँ पे, नहीं तो आप अगर मुझसे छोटे हैं तो आप बोल दो उसे कि मेरा बड़ा भाई दुबई में ही काम करता है। इससे क्या होगा, वो लोग थोड़ा डर जाएंगे कि आपका रिलेटिव यहाँ पे है, तो आपको वो मतलब पैसा निकालने का नहीं सोचेंगे, आपको फ्रॉड करने का नहीं सोचेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा बोल सकता है मेरा नाम लेके कि वो मेरा भाई है, ठीक है, तो इससे क्या। और चलो रात का समय था, ऐसे ही आपसे थोड़ा बातें करने की सोचा था इसलिए आ गया था। फिर फ्राइडे को मिलते हैं नए वीडियो के साथ कॉर्निश पे, यहाँ का मैं थोड़ा सा आउटसाइड व्यू में आपको शूटिंग दिखाने वाला हूँ फ्राइडे में, तो वीडियो शेयर करती रहिए, लाइक करती रहिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे बटन है सब्सक्राइब करने का, वो भी कर लीजिए दोस्तों। एक्चुअली जब भी मैं आपसे बातें करता हूँ तो मुझे ये कैमरा बंद करने का मन ही नहीं होता है, मगर लिमिट भी होता है कितनी बातें करूँ, कितना बोर करूँ आपको, ज़्यादा बोर करना भी अच्छा नहीं लगता है। चलो यहाँ पे अभी रात भी हो गई है, सोने का टाइम हो गया दोस्तों, मिलते हैं फ्राइडे, और नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग लाइव चैट करने का सोचेंगे, यूट्यूब पे लाइव चैट होता है वो सोचेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे यहाँ पे बटन है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।